नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा 9 महीने के बाद, आज भी वही सवाल है और सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रास्ते बाधित होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन का अधिकार तो सभी को है लेकिन रास्ते को रोक नहीं सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि रास्ते किसी भी तरह से बाधित ना हो। तो बड़ी बहस में सबसे पहले आइए ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर क्या टिप्पणी की गई है। तो आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में रास्ते को लेकर जो सुनवाई हुई है, आंदोलन का अधिकार तो है लेकिन रास्ते रोक नहीं सकते हैं, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, जिसमें रास्ते बाधित होने को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सामने आई। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को इसके समाधान निकालने के आदेश दिए हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ये बताएं कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि रास्ते बाधित होने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। अब कोर्ट ने समाधान के बाद सरकारों से रिपोर्ट भी मांगी है कि जो बाधित रास्ते हैं उनके समाधान के लिए क्या काम किया गया है, और इसको लेकर के जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाए। सरकार ये सुनिश्चित भी करे इसके साथ कि ट्रैफिक किसी भी तरह से बाधित ना हो, खासतौर से बॉर्डर्स पर। आप देख रहे हैं जहां भी किसान मोर्चा है या जहां पर भी विरोध है वहां पर ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर के दोनों ही तरफ से अलग अलग तरह के तर्क हैं। 20 सितंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है और अब इस सुनवाई को जब 20 सितंबर को होगी तब उसमें क्या कुछ सरकार का पक्ष रहता है यह भी देखना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसान नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया क्या है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। हफ्ते का टाइम दिया है सरकार को, नोट्स लिया है कि किसानों से बात करें, हम आप बात क्लियर करनी चाहते हैं संयुक्त मोर्चे की ओर से, जो हमने ट्रैप का हमने कभी बांध नहीं किया ना करेंगे, क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े बांध लगा के रखे, हमने तो सर्विस रोड्स पूरे चल रहे हैं हमारी तरफ से, सरकार एम्बुलेंस भी हम यहाँ से गुजरने नहीं देती, इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा है। हम तो पहले कह रहे हैं सरकार हमारे से बात करके हमारे ये कानून जो 3 का रद्द करें और हम वापस चले जाएंगे, लेकिन सरकार हमारे से 7 महीने से बात नहीं कर रही है, 9 महीने हो गए हमको इधर बैठे, 650 किसान हमारा शहीद हो गया, सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया अच्छा किया लेकिन रोड हमने ब्लॉक नहीं किए। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है वह बिल्कुल ठीक है, वह रोड रोक रखे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, जैसे कि टिकरी बॉर्डर पे आप भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से लगातार पीछे कितनी बाढ़ बंदी कर रखी है, तार बंदी कर रखी है, किले ठोक रखी है, सारा प्रशासन का अमला रमला खड़ा है, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं जान देते। ये हमारे किसान साथियों ने तो आप पीछे 22 किलोमीटर का ये लंबा कट है, पीछे तक आप जाके देखो, दोनों पासे रास्ते खुले हैं, साधन आ रहे हैं जा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, सहूलियत से आ रहे जा रहे हैं, पर जैसे ही यहाँ आगे हम किसान साथी आए तो आगे सरकार ने पूरी तरह बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। तो सरकार से हम यही कहेंगे भाई जनता की तकलीफ को देखते हुए इस रास्ते को खोले, और जो दुकानदार भाई हैं साइड में बैठे उनका धंधा सरकार की वजह से चौपट हुआ, किसानों की वजह से कोई चौपट नहीं हो रहा, हम तो आज भी चाहते हैं रास्ता खोले और लोगों को सहूलियत हो, और हमारी मांगों को सरकार जल्दी से जल्दी मान ले, अब अपने घर चले जाएंगे। तो सवाल अभी भी यही बरकरार है क्योंकि आंदोलन को 9 महीनों को होने को आ गए हैं, लेकिन अभी इसका समाधान क्या होगा, इसका रास्ता क्या निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये जो टिप्पणी की गई है जिसमें जो रास्ते बाधित हो रखे हैं उसको लेकर के याचिका लगाई गई और उस पर ही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान निकालना केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी है और इसका समाधान सुनिश्चित करें और इसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर सबमिट की जाए, क्योंकि रास्ते बाधित होने की वजह से परेशानी आम जनजीवन को हो रही है, आसपास रहने वाले लोगों को हो रही है, इन सड़क के किनारे जिनके रोजगार हैं उनके सामने भी समस्या है, और किसानों का इस पर यह कहना है कि ये रास्ते हमने बाधित नहीं किए हैं बल्कि इन रास्तों को तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से रोका गया है, किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया है, और हम तो वैसे भी जहां पर बैठे हुए हैं सर्विस रोड को हमने खाली कर रखा है और लोगों का आवागमन चल रहा है, लेकिन अब बॉर्डर्स पर अगर कील लगा दी गई हो, बाड़ेबंदी कर दी गई हो, बैरिकेड्स किए गए हों, तो ये रास्ता सरकार रोक रही है, हम नहीं रोक रहे और हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, ये बात भी एक बार फिर से किसानों ने दोहराई।
तो आज बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि किसान आंदोलन के 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा, इसका सवाल अभी किसी के पास नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो टिप्पणी की है, इससे क्या गतिरोध टूट गया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि बातचीत से पीछे कौन हट रहा है, क्योंकि किसानों को भी आप सुन रहे हैं और सत्ता पक्ष को भी आपने सुना है, अब बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है, ये भी मौजूदा दौर में एक बड़ा सवाल है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेडू जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत है। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जिसमें उसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहा कि बताएं कि भाई रास्ते क्यों बाधित हैं, उस पर अभी किसान नेताओं की भी मैं प्रतिक्रियाएं सुन रहा था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रास्ते तो दरअसल सरकार ने रोक रखे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या कुछ उम्मीद है कि कुछ बातचीत का रास्ता निकलेगा या बातचीत के टेबल तक आप लोग पहुंचेंगे? ओवरऑल इस टिप्पणी को कैसे देखा जाए? आयुष जी, ये हमारा जो देश है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है वो एक अहम रोल होता है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होगी, सरकारें चुप बैठी हुई हैं। सभी पूरी जनता जानती है कि रास्ते किसने रोके हुए हैं, क्यों रोके हुए हैं। किसान को बदनाम करने की एक साजिश है, किसान जो है सड़कों में बैठा हुआ है। हम तो आपको आपके चैनल से, मैं 26 नवंबर से जुड़ा हुआ, तब से यही कह रहा हूँ कि किसान तो रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए आया था और वहीं जाना चाहता था। हमारे मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने हमें रोड पर बैठा दिया और मैं उनकी आज्ञा पालन करके वहीं कुंडली बॉर्डर पर, जो जो बॉर्डर थे वहीं सेट हो गए। उसके बाद आगे जो सड़कों के बैरिकेड लगाए हैं, दीवारें चली हैं और कंक्रीट की दीवार बना दी है, वो सरकार ने बनाई है। सरकार जो कानून बनाती है वो सरकार पे भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अब ये जो कानून बनाए हैं सरकार ने कि जो संपत्ति को गड़बड़ करेगा, तो ये जो सड़कें ही हैं, जो हमारी संपत्ति है, इसकी गड़बड़ तो सरकार ने की है, उस पर इस कानून का कोई अमल नहीं होता है। तो जो आज की समस्या जो है वो सारी सरकार के द्वारा क्रिएट की समस्या है। किसान तो बहुत भाड़ा भाड़ा इंसान है कि जो उसके लिए मुंह लगाए बैठा हुआ है, और आज भी इस उम्मीद पर है कि मोदी जी कभी कभी वार्ता के लिए बुलाएंगे। अब वो दिन कौन सा होगा जिस दिन मोदी जी का जो दिल पसीजेगा कि 9 महीने बाद तो अंग्रेजों ने भी हमारी बात मान ली थी और हमारे जो काले कानून थे वो वापस कर लिए थे, तो हमारे मोदी जी ने पूरे 9 महीने कर लिए हैं। इसके बाद तो हमें उम्मीद करते हैं कि शायद हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री जो है वो कुछ संज्ञान ले और हम पे रहम करके वार्ता बुलाकर इस समाधान को निकाले। आज भी मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जैसे हरियाणा में है, हमारे जो DGP थे वो इतने परेशान हो गए सरकार से कि वो सेंटर में चले गए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी कोर्ट की शरण ले रहे हैं कि वो सेंटर में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको सरकार छोड़ नहीं रही है। आज जो हमारा विधेयक सरकार ने पास किया हरियाणा में, वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। उसमें किसान को इतना मरोड़ दिया है कि जो DC जिसको बुलाएगा और धमका के उसको धमका डरा के उससे सहमति ले लेगा और उसकी जमीन को एक्वायर कर लेगा, 48 आवर का नोटिस भी नहीं देगा, फटाक उसकी जमीन कब्जा ले लेगा। तो जो सरकार की नीतियां हैं उनसे ये महसूस होने लग गया कि सरकार हमारे किसानों की सारी जो जमीनें हैं उनको हजम करने की कोशिश करना चाहती है और हमें बेघर करके फुटपाथ पे लाके और हमें एक वो मजदूर जो बंधुआ मजदूर होते हैं ना कि हम उनके रहमो करम पर रहेंगे, वो चाहते हैं। उसी संदर्भ में हम 9 महीने से सड़क बैठे हुए हैं कि हम जब तक सरकार की बात को नहीं मानेंगे, जब तक कि हमारे काले कानून वापस नहीं लेंगे, और हम घर तब जाएंगे जैसे कि हमारे टिकैत साहब ने कहा था कि हमारे कानून वापसी पर हम घर जाएंगे। हम घर जाकर करेंगे क्या? हमारे जो युवा जो बच्चे हैं वो तो सड़कों पर जमे हुए हैं, वो वहाँ रक्षा कर रहे हैं। कुछ हमारे बच्चे मेडल लाने के लिए बिजी हो जाते हैं, कुछ हमारे आदमी औरतें बच्चे हमें खेतों में काम करके हमें आपको अन्न देते हैं। पूरी सरकार भारत सरकार को जो अन्न देता है वो एक अन्नदाता किसान देता है, नहीं उससे पहले ये अमेरिका में जाके भीख मांगते थे, वहां से लाल गेहूं लेकर आते थे। तो ये तो भला हो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जिन्होंने क्रांति चलाई, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके कारण किसानों ने विश्वास किया और वो आज देखते हैं कि उसका फल क्या है। प्रधानमंत्री का पद इतना गरिमा का पद होता है कि उसकी जो बात होती है वो हर जनता जो है देश की उसको मानती है और उस पर सत्य का एक चिन्ह होता है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उनसे लोग जो हैं वो इस तरह से भयभीत हो चुके हैं कि वो हमारी बात न सुनके और अपने जो कॉरपोरेट जगत है या जो अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपने देख चुका होगा, मैं बार बार बताना नहीं चाहता कि जब नोटबंदी हुई तब भी उसने एकदम 9:30 बजे डिसीजन दे दिया, नोट बंद कर दिए हैं। लॉकडाउन के अंदर भी उसने एकदम डिसीजन दे दिया कि कल से लॉकडाउन कर दिया। कितने मजदूर हमारे जो थे बेघर हो गए थे, कितने सड़कों मर चुके थे, कितने ट्रेनों मर चुके थे। ये ऐसे जो है शासन नहीं चलता है, प्रधानमंत्री का एक गरिमा का पद है। कुल मिलाकर के सरकार को बात करनी चाहिए, ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, जवाब दें।
अजय देखिए ऐसा है भैया जी जो बात बोल रहे थे मैं हैरान हूँ, हालांकि भैया जी हूँ वही बात कर रहे थे जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। भैया जी ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को डीमोनेटाइजेशन अचानक नहीं करना चाहिए, मतलब उनको भैया जी को बताना चाहिए था, उनको हुड्डा साहब को बताना चाहिए था, उनको प्रियंका जी राहुल जी और सोनिया जी को बताना चाहिए था कि देखिए मैं डीमोनेटाइजेशन करने वाला हूँ, आपके पास जो काला धन है उसको आप फटाफट से बदल लीजिए। कमाल करते हैं भैया जी, कम से कम बोलने से पहले सोचिए, इतना बड़ा निर्णय है वो अचानक ही होता है या वो घंटी बजा के किया जाता है, ये लोगों को बता के किया जाता है कि साहब डीमोनेटाइजेशन होने वाला है आप तैयारी करो। दूसरी बात भैया जी ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने जो रास्ता में बैरिकेडिंग की है उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोषी, मैं हैरान हूँ साहब जो बैरिकेडिंग की है दिल्ली पुलिस ने लेकिन दोषी कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इससे पता लगता है कि भैया जी जो है कहां से सीख पढ़ के आते। अब बात आती है कि साहब हम नहीं चाहते थे, आयुष याद कीजिए नवंबर 2020 जब ये लोग आंदोलन करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पे गए, सरकार ने बाकायदा इनको ये कहा कि आप बरगाड़ी के मैदान में आइए, वहां पे सरकार ने पूरे इंतजाम किए, वहां पे इनके लिए बाथरूम की व्यवस्था की, और इन्होंने क्या कहा कि नहीं हम बरगाड़ी के मैदान पे नहीं जाएंगे हम यहीं बैठेंगे। फिर दोष लगाते हैं सरकार के ऊपर कि देखिए साहब सरकार ने हमारा रास्ता रोक लिया, सरकार तो आपको दिल्ली बरगाड़ी मैदान पे पूरे इंतजाम करके बुला रही थी लेकिन आपकी जो सोच थी आपका जो एजेंडा था वो किसान हित था ही नहीं, आपका एजेंडा राजनीति से प्रेरित था, इसलिए आपने बजाय बरगाड़ी मैदान पे बैठने के ये तय किया कि हम सड़क के बीच में बैठेंगे। और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आंदोलन करने का अधिकार है, सरकार भी यही बात कह रही है पहले दिन से, और आपको निश्चित स्थान पे आंदोलन करना चाहिए जिससे कि दूसरे के आजादी में खलन ना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आवाजाही में खलन ना पड़े, यही बात सरकार कह रही है पहले दिन से। अब यहाँ पे बात आ जाती है, साहब कह रहे थे लैंड एक्विजिशन के अंदर हरियाणा सरकार ने डीजी को ताकत दे दी है ये हो जाएगा जमीन छीन लेंगे, हूबहू वही शब्द जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में बोल रहे थे। भैया जी वकील है, 1894 लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कांग्रेस यूपीए सरकार ने की थी काइंडली एक बार उसको पढ़ लेते, और जो हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट की है उसको पढ़ लेते, आप वकील है आप बेहतर समझ जाते। धारा 10A जो 2013 अमेंडमेंट के अंदर थी उसमें भी ये कहा गया कि सरकार विशेष परिस्थितियों के अंदर जमीन अधिग्रहण कर सकती है, हम भी यही कह रहे हैं विशेष परिस्थितियां, लेकिन हमने उसको डिफाइन कर दिया। वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, जब देश की जरूरत के लिए माननीय सेना के लिए रेलवे के लिए हाईवे के लिए अगर सरकार को जमीन की जरूरत पड़ती है, यही बात तो 2013 के एक्ट के अंदर है, लेकिन सरकार ने केवल ये किया कि जो 70% का कंसेंट था जिसकी वजह से जितने जरूरी और देश के लिए जनता के लिए जो जनता के हित की परियोजनाएं थी जिसमें बार बार रोड़ा टकता था उसका उदाहरण आयुष दूंगा। भैया जी पूछ लेते भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, वो बता देते कि जब केएमपी बनना शुरू हुआ था, हालांकि केएमपी की नींव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी 2004 के अंदर, लेकिन उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार आ गई, 10 साल केएमपी नहीं बना, 10 साल कांग्रेस सरकार केएमपी नहीं बनाई बना पाई, लेकिन जब हुड्डा साहब से सवाल पूछा जाता था तो उनका एक जवाब होता था कि साहब इसके अंदर कानूनन अड़चन है इसलिए ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा, वो कानून अड़चन क्या थी ये हुड्डा साहब जनता को बता नहीं सकते थे, हालांकि उसके अंदर जिस तरह की रवीन जी कोर्ट ने समाधान मांगा है, आप समाधान क्या देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन्होंने रास्ता रोका, रवीन जी आपने कहा कि इन्होंने रास्ता रोका, ये कह रहे हैं कि ये रास्ता आप लोगों ने रोका, हम तो अपनी जगह बैठे हुए हैं। रवीन जी समाधान देना है आपको, कोर्ट में समाधान क्या देंगे, रवीन जी कोर्ट में समाधान क्या देंगे, क्योंकि समाधान मांगा है कोर्ट ने कि आप बताएं कि भाई ये रास्ता ट्रैफिक कैसे सही करेंगे, समाधान क्या है? ऐसा है कि जो मामला कोर्ट के अंदर अभी प्रोसीडिंग के अंदर है उसके विषय पे इस वक्त यहाँ पे मैं कोई टिप्पणी करूँ मुझे लगता है कि मैं उचित नहीं है, लेकिन जो बात कोर्ट ने कही ये बात सरकार पहले दिन से कह रही है, सरकार बार बार ये निवेदन किसान नेताओं को कर चुकी है, सरकार ने ये निवेदन भी किया था कि जिस वक्त आखिरी दौर की वार्ता हुई थी जिस वक्त सरकार ने किसान नेताओं के द्वारा प्रकट की आशंकाओं का के अंदर जो बदलाव का आश्वासन दिया था, बाकायदा कृषि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब ने तो एक कमेटी बनाने की बात की थी, मुझे लगता है कि तथाकथित किसान नेताओं का अगर कोई राजनीतिक एजेंडा ना होता ही तो ये आंदोलन उसी वक्त खत्म हो जाता, क्योंकि आप जो आशंका प्रकट कर रहे हो सरकार उसके बदलाव के लिए तैयार है, आपने एमएसपी की बात की केंद्रीय कृषि मंत्री ने कमेटी बनाने की बात कर दी,
तो वो एक ऐसा अवसर था जिस अवसर पे इस आंदोलन को तुरंत खत्म किया जा सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता चौधरी ठाकुर भानु प्रताप की। आपको याद होगा जब वो 26 जनवरी के बाद आंदोलन को छोड़ के गए तो उन्होंने मीडिया में आके क्या टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था ये पूरी तरह से कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। ये मैं उनकी टिप्पणी का जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूंगा शिव कुमार कक्का जी की, जिन्होंने ये कहा था कि गुरुनाथ सिंह चौधरी ने कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर ली है, पैसों की बात भी उन्होंने की थी कक्का साहब ने। तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। इसलिए सरकार ने जो प्रस्ताव दिए थे बजाय उन प्रस्तावों को मान के अपने आप को विजयी महसूस करके जो वापिस चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एजेंडा किसान ही तो था ही नहीं कहीं पे। अगर एजेंडा किसान ही होता तो कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जो एक दिन पहले कहा है तो उसी को सुन लेते। नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयान के अंदर हरियाणा सरकार, हरियाणा के किसान की स्थिति पंजाब से काफी अच्छी है ये बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हरियाणा के अंदर किसान के हितों के लिए हुए कामों की तारीफ करते हैं, तो क्या उससे समझ जाना चाहिए था किसान नेताओं को? लेकिन कांग्रेस के इशारे पे था, राजनीति से प्रेरित था, इसलिए सरकार के द्वारा किए गए काम सरकार के द्वारा किए गए प्रस्ताव आप लोगों ने बिठा दिया किसानों को रास्ते पर, और किसान विरोध कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई रास्ता रुका हुआ है, ट्रैफिक डाइवर्ट हो रखा है। आयुष जी आपकी बात मान भी लेते हैं, आयुष जी एक बार फर्ज कर लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो भी मैं गाड़ी से आवागमन करती हूँ दिल्ली और हरियाणा के बीच, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच, आपने भी किया होगा शायद, और भी तमाम लोग जो करते हैं जिनसे मैं बातचीत करती हूँ। मेरा निजी अनुभव जो है वो ये है कि जहां तक किसान बैठे हैं वहां तक रास्ता बड़े अनुशासन के साथ खाली रखते हैं और हमें रास्ता न सिर्फ देते हैं उसे मैनेज करते हैं, वो खुद जिस असुविधा के और जिस सरकार की अनिश्चितता के शिकार हैं वो उसकी पीड़ा तो वो ही जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि रास्ता बस वहां से बंद है जहां सरकार ने जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर के जैसा उसको, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जैसा उसको बना रखा है। ऐसा लगता है वहां पर जैसे कोई एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा है, खेतों में से घूम करके गांवों के बीच में से हो करके दूसरी तरफ आप बॉर्डर पे जाकर के निकलते हैं। अब आपको 2013-14 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था वो याद दिला देती हूँ, सीधी सीधी बात करेंगे आयुष जी, ये भाजपा की तरह जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बात करना ना हमारी आदत है ना फितरत है, तो सीधे सीधे बात करेंगे जो आम जन की समझ में आए। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब भी हजारों की तादाद में लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे, उनके लिए सुनियोजित तरीके से वहां पर व्यवस्था करवाई गई थी। हमें आज भी याद है उस समय पर भी दिल्ली के सड़कों पे किस तरह से जो है वो हंगामा बरपा था, किस तरह से मुझे याद है कि वो झाड़ू वाली टोपी पहने हुए लोग उस समय नजर आते थे और उसके पीछे कौन था आंदोलन के उस समय या नहीं था, या मैं आम आदमी हूँ ये लिखी हुई टोपियाँ, क्षमा चाहती हूँ झाड़ू वाली टोपियाँ नहीं, मैं आम आदमी हूँ ये लिखी हुई टोपियाँ पहने हुए जन जन हर एक ऑटो के ऊपर ये आंदोलन बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दिल्ली के ऊपर इस आंदोलन का ही रंग चढ़ गया है। और बाकायदा चुनाव आने को थे और उसके बावजूद, क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र की संस्कृति से आने वाले, लोकतंत्र को हर कीमत पर सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं, इसलिए हमने उसको उस समय सुनियोजित होना उसका सुनिश्चित किया। अब इसके ऊपर बार बार हम मुगलों के साथ हैं या हम बरतानवियों के साथ हैं या हमने इमरजेंसी लगाई थी, वो इससे पहले कि भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ वापस उसके पीछे छुपने के लिए जाएं, जैसे कि इनकी सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने के लिए जाती है, उससे पहले ही मैं बता दूं कि हम सनातन धर्म की उस परंपरा के अंदर विश्वास रखते हैं जो कहती है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांग चुके हैं, आगे भी मांगेंगे, हमसे गलतियां होंगी तो गलतियां करना तो इंसान के वश से बाहर की बात है, गलतियां बहुत चाहने के बाद भी हो जाती है व्यक्ति से, लेकिन उनसे पीछे हटना, उनपे शीश नवा के माफी मांग लेना ही सज्जनों की तासीर के तौर पे गिनी जाती है। अब अदालत में क्या कहा गया आयुष जी, आपके कार्यक्रम पर मैंने रिपोर्ट में भी सुना,
कैसे भी चर्चा में बात हो रही है सुन रहे हैं, मैं बता देती हूँ अदालत के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बिल्कुल शब्द बशब्द बता रही हूँ। अदालत ने कहा कि सरकार को इसका समाधान निकालना होगा, आप यानी कि सरकारें इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकालते, समाधान केंद्र और संबंधित सरकारों के हाथ में है, आपको समाधान निकालना होगा। अगर प्रदर्शन जारी है इस तरह से सड़कों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता कि लोगों को आवाजाही में परेशानी हो, ये बिल्कुल शब्द बशब्द मैंने आपको जजमेंट बताई है, जो जजमेंट में लिखा, जो ऑर्डर है ऑर्डर के अंदर जो लिखा गया है। अब इसके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जवाब दिया आयुष जी कि किसानों को बताया गया है कि सड़क जाम कर रहा बिल्कुल अवैध है। अभी तक उत्तर प्रदेश का ही इस पर जवाब आया है, हलफनामा जो आया है, हरियाणा का और बाकी लोगों का केंद्र सरकार का कोई भी सीधा सीधा हलफनामा इसमें आना भी बाकी है। तो देखने वाली बात इसमें ये है कि इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सीधा सीधा बात कह रहा है सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को, तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है किसानों को बताया गया है सड़क जाम करना बिल्कुल अवैध है। और हम बार बार एक आम आदमी होने के नाते भी, एक विपक्ष की प्रवक्ता होने के नाते भी बार बार ये बता रहे हैं कि हम अपने निजी अनुभव से बता रहे हैं, हम आते जाते हैं वहां से, वहां पर कोई किसान सड़क ब्लॉक करके नहीं बैठा है, विवशता पूर्वक परिस्थितियां हैं, उस विवशता में वो वहां पर बैठ गए हैं क्योंकि सरकार ने अपने ही लोगों को त्याग दिया है। यहाँ ये याद कर लेना भी बहुत जरूरी है आयुषी, की पिछले वर्ष जब सुनवाई हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा था, ये लोग न जाने जनवरी के महीने में, जब इस साल जनवरी के महीने में सुनवाई हो रही थी, कि ये लोग न जाने दिल्ली में आकर क्या कर देंगे, तब भी मैंने सवाल किया था ये लोग कौन है, सवाल ये पूछना जरूरी है ये लोग कौन है, ये लोग हमारे नागरिक नहीं है क्या, हम इनके जवाबदार नहीं है क्या, और यदि है तो हमें वो जवाब देना जरूरी है, हमें उनसे चर्चा करनी जरूरी है। यदि कोई गलती हो गई है, आपका कहने का मतलब ये कि ये समाधान वहीं से निकलना है, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। विजेंद्र रेड्डी, बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से नहीं कहा है। विजेंद्र रेड्डी जी, आयुष जी, मैं शुरू करना चाहूंगा यही से कि जिस प्रकार से आपने बताया कि कोर्ट ने टिप्पणी की है और सरकार को और प्रदेश गवर्नमेंट को ये आदेश जारी किया है कि रोडों को खाली करवा दीजिए, इसके लिए मैं अपने भाई भाजपा के प्रवक्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने ये योग्यता हासिल कर ली है कि जिस प्रकार से इनके नेता बात को घुमाते हैं और टाइम पास करने की पद्धति को अपनाते हैं, प्रवीण जी भी बिल्कुल ठीक वैसे ही, कभी केएमपी के ऊपर बात को लेकर के जाते हैं, कभी कहीं लेकर के जाते हैं, कभी कहीं लेकर के जाते हैं, जबकि भाई प्रश्न पूछा गया है किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो और कोर्ट की टिप्पणी का किस प्रकार से पालन किया जाए। आयुष जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि संवाद से ही समाधान निकलता है, और बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकार ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे हिंदुस्तान की सरकार है, उन्होंने किसानों के साथ संवाद ही रोकने का काम कर दिया है। एक बिल्कुल अनाड़ी तरीके से ये अड़ गए हैं कि हमारी बात मानेंगे तो हम संवाद करेंगे, ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब ये भाई कहते हैं कि किसानों ने रोड जाम कर रखा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और मैं तो समझता हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को इससे फालतू और क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है रोडों को खुलवाने का काम करे। किसानों ने वास्तव में कहीं भी रोड जाम नहीं कर रखा है, किसानों ने सभी को अपना रास्ता देते हैं, बल्कि उनको अन्न भी ग्रहण कराते हैं, भोजन खिलाते हैं, जलपान खिलाते हैं और सह सम्मान उनको आगे भेजने का काम करते हैं। अगर कहीं रोड जाम किए हैं, रोड जाम जाम नहीं आयुष जी, हरियाणा की सरकार ने तो रोड खुदवाने का भी काम किया, खुदवाए भी है, दीवारें भी बनवाई है और बैरिगेट्स भी लगाए हैं, जिस प्रकार से कोई विदेशी जो है यहाँ पर आ रहे हो तो वो गड्ढे में गिर करके ऊपर से उनके ऊपर मिट्टी डालना हो इनको, इस प्रकार से उन्होंने रोड खुदवाने का काम किया। जरा सोचिए, मैं अपने हिंदुस्तान की सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से और हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा महामारी हिंदुस्तान के ऊपर आई और इस महामारी में भी इस भोले भाले अन्नदाता ने दिन देखा न रात देखी, सर्दी देखी न गर्मी देखी, और अंधेरी रातों में जाकर के फसल उगा करके 3.6% एग्रो प्रोडक्ट बढ़ाने का काम किया, और जिसके ऊपर एग्रो आधारित जो प्रोडक्ट है जिनका एक्सपोर्ट हमारा 4.6% बढ़ा, जिसने हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने का काम किया है, और वो आज एक मांग कर रहा है इनसे
कि भाई हमारे ये कानून समझ में नहीं आए हुए हैं, आप इनको वापस ले लीजिए और इनका समाधान संवाद है, यदि सरकार संवाद करेगी एक टेबल पर बैठेगी तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा। जिस प्रकार से पता नहीं, मैं ये नहीं समझता कि सरकार कहाँ फंसी हुई है। मैं आज इसकी थोड़ी एक हिस्ट्री देख रहा था प्रवीण जी, WTO में चौधरी अपने जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम की मीटिंग में हस्ताक्षर किए थे और WTO की शर्त एंड कंडीशन मानने का काम किया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाई चांस अगर वहां सिग्नेचर हो भी गए हैं, इसके बाद फिर 2015 की मीटिंग में वहां भी साइन हो गए हैं, वहां स्पष्ट रूप से WTO ने ये कंडीशन रखी है इंडिया के ऊपर कि आप जो है MSP को खत्म करेंगे और जो भी एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर देश के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को भी आप खत्म करेंगे। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब इनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव है और गलती से सिग्नेचर हो भी गए कोई बात नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसान प्रथम है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रथम है? यदि आपको किसान प्रथम है तो तुरंत प्रभाव से किसानों के साथ संवाद शुरू करें और इस समस्या का समाधान। ठीक है, चलिए, अब आपने सवाल पूछा, ठीक है, जिद को छोड़े। दहिया जी, प्रवीण जी ने जो बात कही कि भाई देखिए, आप तो कह रहे हैं कि इन्होंने रास्ता रोक दिया, बैरिकेड्स लगा दिया, जब शुरुआत में इन्होंने कहा कि आप बुराड़ी के मैदान में बैठिए तब आप लोगों ने इनकार कर दिया था कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, हमें जंतर मंतर पर ही जाना है। क्या ये दोनों तरफ से शुरू हुआ है और अब चूंकि फंस गए तो इसलिए अब आरोप वहां पर लगा दे रहे हैं कि भाई सरकार ने रोक दिया, हम क्या करें? परेशान तो हो रही है ना अल्टीमेटली जनता। दहिया जी, आयुष जी, मैं सोनीपत में रहता हूँ तो कुंडली बॉर्डर में दिल्ली जाता हूँ तो कुंडली बॉर्डर पे साइड से एक पैदल का रास्ता था कि आदमी जो थे पैदल आ जा सकते थे। दिल्ली पुलिस ने वहां पर भी कांटेदार तार लगा दिए हैं और पैदल का रास्ता बंद कर दिया है। तो ये कहना है कि किसान रास्ता रोका, ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है ये एक नंबर की पूरी झूठ बोलते हैं, इससे ज्यादा ये वो कुछ नहीं करते। इन्होंने जो आप पूरी जनता देखती है कि जो रास्ता रोका है वो पुलिस ने रोका है, सरकार ने रोका है और किसके कहने पर रोका वो भी बता देंगे। ये हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि मोनेटाइजेशन में हुड्डा साहब से मुझसे पूछना चाहिए था, हमसे नहीं पूछना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लायबल होते हैं कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से लेते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा और रिजर्व बैंक के गवर्नर तो छोड़ के चले गए। दो रिजर्व बैंक के गवर्नर नौकरी छोड़ चुके हैं, जो इतना बड़ा पद होता था। अब जो गवर्नर बैठा रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री का है, उसको तो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके फाइनेंस के बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये जो बातें घर में बैठ के कह रहे हैं ये इनको सोचना चाहिए। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम तो फैक्ट्स में बात करते हैं। रही किसानों की बात, दहिया जी, दहिया जी मुझे बताएं, बुराड़ी के मैदान में भी तो ये प्रदर्शन करके आप लोग अपनी बात रख सकते थे ना, लेकिन ये बॉर्डर्स को ही चुना जाना, बॉर्डर्स को ही चुना जाना दहिया जी, इसके पीछे की मंशा क्या है? भाई बुराड़ी के मैदान में भी तो जाकर के किसान एकत्रित हो सकते थे, शांतिप्रिय आंदोलन होती है। अब हमारे शांतिप्रिय आंदोलन तो बुराड़ी के मैदान में भी हो सकता था, ये सारे बॉर्डर्स पर कैसे बैठ गए? वो मुख्यमंत्री ने मेंबर SPSC पर नहीं डाला या चेयरमैन SPSC पर, उन पर डाला जो अभी इनको नकल करो, उनको पकड़ो। अरे जो यहाँ इतने बड़े बड़े बैठ के पदों बैठे हुए हैं, लाखों सैलरी ले रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटी निपटती है कि वो एग्जाम ठीक तरीके से कराएं? सरकार टोटली फेल हो चुकी है और सरकार का जो अपना जो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है उसका ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हैं। दहिया जी, ऐसे जो किसान की बातें, दहिया जी मुझे ये बताएं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, ठीक है दहिया जी, देखिए दहिया जी मुझे बताएं कि बुराड़ी के मैदान में क्यों नहीं बैठे किसान जाकर के? बात वहां से नहीं पहुंचती क्या सरकार तक? ऐसा है आयुष जी, हमारा जो एजेंडा था वो रामला ग्राउंड के लिए हमने मेंशन कर दिया था कि सभी किसान रामला ग्राउंड में जाएंगे। अब बुराड़ी मैदान में जाएगा, आधे उधर पहुंचेंगे, आधे अपना तभी माहौल हो जाता, फिर दिल्ली खराब हो जाती। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, वहां तो एक पूरा मैदान था, वहां एक साथ एकत्रित हो सकते थे, वहां क्या आपत्ति थी जाने में? अब ऐसा हमें मैसेज था कि जो किसान सरकार जहां बैठाएगी उससे आगे रोकेगी तो वही रोक जाओ, वही बैठ जाओ। आज भी हमारा वही एजेंडा है कि हम जो आते हैं कि अगर अब मेरा बालगढ़ से शुरू होता है तो कुछ किसान तो बालगढ़ में राय के बीच में बैठे हुए हैं, मतलब हमारा 20 किलोमीटर के अंदर किसान फैला हुआ है कुंडली बॉर्डर का। इसी प्रकार 20 किलोमीटर सापले तक वो टिकरी बॉर्डर का फैला हुआ है। हम जो आदमी आए थे, हम दिल्ली में जाने के लिए आए थे कि प्रधानमंत्री से बात करके आएंगे और अपनी डिमांड मनवा के आएंगे, लेकिन वहां तक तो हमें पहुंचने नहीं दिया गया, तो उसका श्रेय किसको जाता है? हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। अगर मुख्यमंत्री हमारे को अच्छे तरीके से दिल्ली में एंट्री कराता और हमें जनरल ग्राउंड पहुंचता तो ये नौबत नहीं आती। उसने हम पे वाटर कैनन छोड़ दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पता है हमारे कितने 26 तारीख को हमारे आज कितने जख्मी हो गए यहाँ पर, और उसके बाद फिर यही बैठना पड़ेगा, हम कहाँ जाएं?
आज भी एक सिंपल सी बात है, हमारा राजनीतिक एजेंडा कोई नहीं है आज की डेट में, ना हम राजनीति करना चाहते हैं। हम आज भी ये कहते हैं अगर सरकार हमारी ये बात मानती है तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं, और उसके बाद जो सहमति से कानून बनाए उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, कम्युनिस्ट के साथ। अरे आपकी इंटेलिजेंस कहां गई थी? आप अपने इंटेलिजेंस को क्यों यूज करते? हम किसी के साथ नहीं मिले हुए हैं। आप हमारे किसान नेताओं के नाम लेते हैं कि वो कांग्रेस से मिला हुआ है, वो उससे मिला हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे नेता मिले हुए थे, तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां गई थी? आप हमारा नाम क्यों बदनाम करते हो? अरे ठीक है, चलिए, किसानों की इंटेलिजेंस की कोई जरूरत थोड़ी ना राजेश डाल के, और हमारे आज और कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं कि भाई उसके लिए इंटेलिजेंस लगा दी जाए। चलिए ठीक है प्रवीण जी, वो जब तक यहाँ से नहीं, प्रवीण जी इसके लिए इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। प्रवीण जी, कांग्रेस से मिले हुए हैं ये हमने नहीं कहा था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसान नेता जो आंदोलन में शामिल थे, शिव कुमार कक्का किसान नेता जो आंदोलन में शामिल थे, भाई वो आपके साथियों ने कहा था, उन्होंने देखा होगा तभी तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो आंदोलन में थे। अब दूसरी बात, ये देखिए एक बात बार बार करते हैं कि साहब वहां पे कीले लगा दी, वहां पे कीले लगा दी। आयुष, नवंबर में जब दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे, मैंने बताया कि इनको बरगाड़ी मैदान पे जाने को कहा, इन्होंने कहा नहीं जाएंगे, हम यही बैठेंगे। ठीक है, ये बैठ गए, लेकिन 26 जनवरी तक वहां कोई कील नहीं लगी थी। कीले कब लगी? जब 26 जनवरी पे लाल किले वाली घटना घटी, जब आईटीओ पे पुलिस के ऊपर तलवारें चली, जब पुलिस के साथ हुई वार्तालाप का स्वयं उल्लंघन करके रास्ता चेंज करके दिल्ली में उड़दंग किया, 350 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को घायल किया, देश को शर्मसार करने की घटना घटी। उसके बाद हालांकि विषय दिल्ली पुलिस का है, हरियाणा का विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा जनता को पता लगे, दिल्ली पुलिस ने उसके बाद वहां पे बैरिकेडिंग कीले लगाना, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, उन्होंने दिल्ली की जनता की रक्षा करनी है। लेकिन आंदोलनकारियों ने 26 जनवरी को जिस तरह का व्यवहार किया, स्वाभाविक है डर पैदा हुआ, और डर पैदा हुआ तो उसके बचाव के उपाय किए गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब बात आ जाती है जो मेरे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। देखिए पहले तो रेणु साहब, आपने WTO का जिक्र किया, मेरा इतराज यही होता है कि जब सेलेक्टिव राजनीति की जाती है, जब सुविधा की राजनीति की जाती है, आपने WTO के बारे में पढ़ा तो क्या आपने नहीं पढ़ा कि UPA के कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा जाके साइन करके आए थे, इस बात की सहमति देके आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में मीटिंग में स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। ये नहीं पढ़ा आपने WTO के अंदर? केवल आपने ये पढ़ा कि साहब आपने WTO की मीटिंग के अंदर ये बात कही थी? अरे आनंद शर्मा बतौर कॉमर्स मिनिस्टर 2013 के अंदर साइन करके आए थे, पढ़ लीजिएगा रेणु साहब उसको। अब दूसरी बात, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आयुष मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था कि हमें मीटिंग बुलाते हैं, उन्होंने उनके सामने इन्होंने ये किया है, आप लोगों ने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मानने से इनकार कर दिया, बोलो जो सच्चाई है सच्चाई बोलो, क्योंकि सरकार जो है ना इन औद्योगिक घरानों के सामने झुकी हुई है, दबाव में आई हुई है, कारण आप जानते हो क्यों आई हुई है। जो माननीय सुप्रीम, अरे भाई रेणु साहब बीच में ना बोलिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसी आवाज कम आती है, ऑनलाइन जुड़े हुए हम। देखिए ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाई, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, अपना पक्ष रखने नहीं गए, लेकिन आज आवाज नहीं आ रही, आयोग की आवाज नहीं आ रही इनकी, मेरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार कह रही थी। अब मैं करूंगा कांग्रेस वाली बहन जी की बात। देखिए कांग्रेस वाली बहन जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता बात को घुमा रहे हैं, इन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र किया, लेकिन बहन जी साथ साथ ये जिक्र करती कि अन्ना हजारे आंदोलन किस लिए हुआ? भ्रष्टाचार इस कदर देश के अंदर व्यापक हो चुका था, 2G हो चुका था, कोलगेट हो चुका था, जब से देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, सबसे पहली कमीशन चोरी कहा हुई जीप कांड, दूसरी कहा हुई जगमोहन मुंद्रा कांड, LIC लगातार कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आती थी भ्रष्टाचार से नहीं, 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 लेकिन प्रवीण जी का कहने का मतलब यह था कि भाई उन्होंने आंदोलनकारियों को दिल्ली में आने की इजाजत तो दी ना, आपने तो आंदोलनकारियों को रोक ही दिया, आने की इजाजत ही नहीं दी, सरकार को किस बात का डर था भाई? किसान ही तो हैं, अपने ही तो हैं, आते यहाँ आंदोलन करते, उन्होंने तो इजाजत दे दी अन्ना हजारे को आने की, आपने किसानों को रोक दिया, आने नहीं दिया, उनका कहने का मतलब ही गाड़ी मैदान में आने का ऑर्डर दिया था आयुष, मैं बता रहा हूँ, और हमने तो बाकायदा इंतजाम करवाए थे, वहां पे टॉयलेट की सुविधा, लाइट की सुविधा, बाकायदा सारे इंतजाम करवाए थे कि यहाँ आके बैठिए, मना इन्होंने खुद किया कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम जाए जहां रोका यहीं बैठ जाएंगे, हमने नहीं मना किया था, हम तो अभी कह रहे हैं आंदोलन आपका विचार है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन जनता को परेशानी ना हो इसके लिए आप निश्चित स्थान पे बैठ के आंदोलन कीजिए। मना कौन कर रहा है? हम तो आज भी कह रहे हैं, इनको कहिए अगर यहाँ दरिया जी बैठे हैं बरगाड़ी मैदान में जाके बैठे, आज कौन रोक रहा है इनको, आंदोलन करे, लेकिन आयुष आंदोलन के नाम पे आप अस्पताल पे हमला करेंगे ये ठीक नहीं है, आंदोलन के नाम पे आप कहेंगे इंदिरा उड़ा दी, मोदी को उड़ा देंगे ये ठीक नहीं है,
झंडा फहरा देंगे, ये ठीक नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि आंदोलन के नाम पे अब तलवारें नहीं चलाएंगे, शांति में आंदोलन करने से कौन रोक रहा है। अभी आप एक विशेष बात जो है, मैं फिर वही बात कहूंगा, बहन जी कह रही थी कि हमने अपनी गलती की माफी मांग ली। बहन जी, माफी गलती की होती है लेकिन गुनाहों की माफी नहीं होती। देश का बंटवारा आपने किया, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 70 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उसकी माफी कौन मांगेगा। चलिए ठीक है, चलिए प्रवीण जी, वो तो जनता, भाई जनता किसको किसको माफ कर रही है, किसको नहीं कर रही, जनता पे कुछ चीजें छोड़ते हैं। महिमा जी, आयुष जी, दीप सिद्धू के साथ किस किस की तस्वीरें थी वो मुझे यहाँ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो अंडरग्राउंड हुए, उन्हें अरेस्ट करने में कितनी दिक्कत आई प्रशासन को, वो भी सब बातें दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, वो कीलें जो गाड़ी गई थी, अभी अभी मैं सुन रही थी सफेद झूठ किस प्रकार से बोला गया, वो कीलें 26 जनवरी के पहले गाड़ी गई थी। और हमने बार बार आपके पटल से भी और हर पटल से ये सवाल उठाया कि 26 जनवरी की तैयारियों में ये जो सड़कों में कीले गाड़ी जा रही है, ये किसके लिए? और फिर यहाँ आज बैठ करके क्या सोचते हैं कि जनता की मेमोरी शॉर्ट है? बीच में नहीं बोलने देंगे आयुष जी, बीच में नहीं बोलने देंगे, बीच में नहीं बोलने देंगे। नहीं महिमा जी, ठीक है, बात अपनी कंप्लीट करें, मेरे पास समय कम है, ठीक है, चलिए। बीच में नहीं, हमें तो इनकी हर ठीक है प्रवीण जी, मैं फिर कहूंगा सच जज सच झूठ को थोड़ा छोड़िए भाई, ठीक है, सच झूठ छोड़ दीजिए जनता के ऊपर, जनता सब देख रही है, ठीक है। महिमा जी चलिए कंप्लीट करें, महिमा जी, प्रवीण जी शांत। ऐसा है कि यहाँ बार बार जब कही गई ये बात, 26 यही होता है, जनता की मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी मानते हैं और बाद में सोचते हैं जैसे कैसे झूठ बोल देंगे और चल जाएगा। आज ही कह रहे हैं कि बुराड़ी के लिए तैयारी की गई, इस देश के अंदर कब कब सरकार ने निर्धारित किया है आंदोलन कहाँ बैठकर होगा? अंग्रेजों ने भी निर्धारित नहीं किया था आंदोलन की वेन्यू कौन सी होगी। बार बार बीच में बोलते हैं, कहीं सच ना कहीं पहुंच जाए, डरे हुए लोग, कितने भयभीत लोग हैं ये कितने बौखलाए हुए और भयभीत लोग हैं ये, कितने बौखलाई हुई जनता पार्टी है क्या ये? बौखलाई हुई जनता पार्टी है क्या ये? बौखलाए हुए लोग हैं जो बात कहने ही नहीं देते, कहीं सच ना सामने आ जाए। बुराड़ी की तैयारी, बुराड़ी नहीं बोलने देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे बीच में। चलिए ठीक है महिमा जी, मेरे पास भी समय नहीं, आप लोग किसी चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब किसानों के इस आंदोलन का समाधान क्या है, ये 9 महीने के बाद भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक उम्मीद जरूर जगी, और देखना यह है कि इसके समाधान की ओर कैसे सरकारें बढ़ती हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही है।